तो मैं बनाने जा रही हूँ विशाल के लिए कॉफ़ी, और गैया को देख लूँ पहले एक बार। बहुत ही धूप है, इसको खोलना पड़ेगा। एक काली काली सी बड़ी सी गैया है, पता नहीं किसकी है। जैसे इसमें कुछ दाना ना डालो गैया के लिए, वो आके चट कर जाती है। दो बार तो भाभी ने भगाया और एक बार मैंने भगाया। मैंने ये बन गई विशाल की ब्लैक कॉफ़ी। बेचारे के पिछवाड़े में दर्द हो रहा है, हंस नहीं पा रही, मेरे भी दर्द हो रहा है। तो ये विशाल की कॉफ़ी बन रही है। एक से ऐसे पड़ता पूरा, और एक मैं चेहरे पे लगा लेती हूँ। कॉफ़ी का फेस पैक लगाने से टैनिंग नहीं पड़ती फेस पे। जो टांका लगा हुआ है मेरे, वो धागा जब दांत के नीचे आता है बहुत अजीब सा लगता है। अभी नहाए नहीं है, पूजा भी करना है। बज रहे हैं 11। यार की कॉफ़ी बन गई है, जा रही हूँ छानने इसको। तुम कौन सी प्रॉपर्टी बटोर रहे हो? अरे बैंक अकाउंट डिस्कस कर रहा हूँ। इनका बैग है, इनका अकाउंट का पासबुक का पिछवाड़ा थोड़े बैठे हैं। बहुत दर्द हो रहा है। कभी भी जब जीने से उतरा करो ना, तो धीरे उतरा करो। जो तुम 5G की स्पीड में उतरते तो ये पिछवाड़ा तोड़ते, ये दूसरी तीसरी बार गिर रहे हैं। इसके पहले हम लोग जहाँ रेंट पे रहते थे वहाँ भी गिरे थे। तो वहाँ पे एक जीजा जी रहते थे, वो इनको उठाए दौड़ के पिछवाड़ा मले। ऐसे चलोगे तो क्या होगा, और पिछवाड़ा टूट रहा है फिर अखबारों टूटेगा। कॉफी दे देती हूँ, लो भैया कॉफी पियो फिर पिछवाड़ा तोड़ो। आज बैंक जाना ही पड़ेगा मुझे। हाँ लो, ये जिमर बॉय है, पता नहीं कैसे गिरे कि जीना नहीं टूटा। जिम वाले तो गिर जाए जिसके ऊपर जीना टूट जाए। ये तो तुम्हारे ऊपर गिरे नहीं। वैसे ही मरी हुई हूँ, चढ़ी जवानी में बुढ़ापा घेरी। अरे रे बाबा, नाम बाबा हो जाएगा क्योंकि ये बूढ़े हो गए। आज से मुझे बैंक जाना पड़ेगा। मां नौकरी लग गई का? इतना घटिया बैंक में अकाउंट खुला है इसका, ना तो ऑनलाइन होता है। अगर 2-3 पेमेंट कर दिए तो लिमिट एक्सीस हो जाती है। तो आप बताएंगे कुछ आपके पिछवाड़े के बारे में? दर्द हो रहा है। अब जो गिरे हो ढुलमुन ढुलमुन नीचे से, ऊपर से नीचे से गिरे, तो दर्द तो होगा ही। तो कैसा लग रहा है आज? अच्छा, जब आप फ्रेश होने बैठे तो क्या महसूस हुआ? बैठ ही नहीं पाया। इसलिए मैंने तुमको वहाँ भेजा। आज तुमको अच्छा ये रियलाइज हो रहा होगा ना कि वेस्टर्न होता तो ज़्यादा अच्छा था। नहीं, बात क्या है ना कि जीन्स गिरा तो नीचे चोट धूस लग गई, धूस चोट लगी है। मसल्स क्रैम्प हो गई इनकी पूरी। पिछवाड़ा मजबूत करो, तुम्हारा पिछवाड़ा मजबूत ही नहीं है। आगे चल के हो सकता तुम्हें पिछवाड़े डंडा खाना पड़े। अरे भाई, मान लो अगर फोर्स लाइन में इनका सिलेक्शन हो गया तो पिछवाड़े सेकते वहाँ पे, तो तुम ऐसे को कह रहे राम रे बैठ नहीं पा रहे हैं, तो वो पीटेगा। पिछवाड़ा एक ऐसी जगह होती है जहाँ मांस का मात्रा ज्यादा होता। लोथड़ा मांस की लोथड़ा। ओह मत हंसो, तुम्हें बाल क्यों गीले हैं? नहा के जरा देर खोल दो, बस आ जाती हैं। अरे गैया, ये देखो गौशाला खोल दूँ लगता है मुझे। ये डर रही हो क्या उससे? देखो कैसे झांक रही है।
या ये चारे के ताड़ में। ये चीज़ें वो अच्छी नहीं लगी, बोरी में रखा हुआ था चावल खराब, वो खाने गई हैं, और ये भी पता नहीं कहाँ से आ गई हैं। मैं जा रही हूँ नहाने, ब्रश कर लिया है और पानी थोड़ा गर्म करके नहाऊँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे फीवर लग रहा है। तो गीज़र ऑन करके आ गए हैं और जा रहे हैं अभी नहाएंगे, नहाने के बाद फिर देखते हैं कुछ बनाएंगे खाने के लिए, क्योंकि आज तो बिल्कुल कुछ खा भी सकते हैं। आज मैं नहा चुकी हूँ, बाल धुला है मैंने, चल रही हूँ क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया तो एक धूप बत्ती जला देती हूँ, शाम को दीपक जलाएंगे और चलते हैं अपने लिए दवा खा लेते हैं। पहले लस्सी पियेंगे इसके बाद दवा खाएंगे। तो अब चल रहे हैं हम दवा खाने, ये सारी दवाइयाँ दिया है कि पेट भरने के लिए दिए हैं कि खाने की जगह यही खाना। तो पहले पियेंगे हम लस्सी, फिर उसके बाद जूस, पानी से खाएंगे दवा। आज दो तीन दिन से मेरा यही रूटीन चल रहा है, अब आज शाम से मैं खाऊंगी खाना क्योंकि आने लगा है मुझे चक्कर, और इस टाइम अकेले ही सारा काम करना होता है, काम वाली भी नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जा रहा है। इसलिए अब बहुत वो डॉक्टर के कहने पे बहुत चल रही है, अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं भूखे इतने दिन तक रह ही नहीं सकती मैं, इसीलिए कोई व्रत वगैरह नहीं रह पाती। नवरात्रि पहले तो मैं पीने चल रही हूँ लस्सी, इसको किसको पीनी है, आ जाइए। लोग सोचेंगे कि ये कौन सी दवाई खाई जा रही है, एक्चुअल में डॉक्टर ने बोला जितना ठंडा हो सके उतना, मतलब ठंडी चीज़ें जितनी खाओगी उतनी जल्दी रिकवर होगा, और ये जो टांके लगे ना उसके वजह से खाना नहीं खा पा रहे, बहुत दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने यही सब बोला खाने के लिए। हम थोड़ी देर करेंगे आराम, फिर उठने के बाद देखते हैं क्या होता है। उठ गए हैं और देखिए इंडिया टिप टॉप हो गए हैं, और ये मेरी बच्चा पार्टी, हाय करो, हाय। अरे वो पिछवाड़ा तोड़ के बैठा है बड़ा बच्चा, सिखा गया ये, क्या हाल चाल है पिछवाड़े की। जैसे कि देख रहे हैं भाभी आ गए घूम के, जैसे गेट से खुला है ऐसे भाग के निकला है, भाभी को देखा तुरंत भागा गेट से बाहर। रील शूट करेंगे उसके बाद शगुन को कोचिंग जाना है, तो चलें शगुन, चलें। सवारी कर रहे हैं तो और कुछ नहीं मिला, देखो देखो छुट्टी पे दूर। हाय कर करो, हाय सुनती, मैं मेरा बहू है, मेरे दोनों बच्चा पाची है। कैसे घुस गया है फोटो की, मुँह देखो इसका कैसा है, इसकी आंखें कितनी सुंदर है, ये देखो ये आंखें नसीली, हाँ बाल मेरा। 20 दिन हो गया नहीं गए सब्जी वगैरह लेने, तो इसलिए घर में कुछ है नहीं, तो चल रहे हैं दिया जलाते हैं माता जी का, फिर गेट के बाहर दिया जलाएंगे, देन उसके बाद मटर वगैरह बॉईल करेंगे। बड़ा सुकून मिलता है यहाँ आके। धूप बत्ती लग गई। क्या नाम है तुम्हारा? दीपिका। हाय करो। हाय करो। फ्रेंड सपोर्ट मी। बोल, अभी तो बहुत चिल्ला रही थी। किसको किसको फेमस होना है? हमको। बस इस शगुन को फेमस होना है। तुम लोगों को फेमस नहीं होना? हाँ ना, हमको होना है। अच्छा बताओ क्यों डर रही हो भैया से, क्यों डर रही हो विशाल भैया से? जानवर डर रहा है ना, काटता है, इसके दो दांत हैं आगे। अभी इसको बुलाएंगे, इधर आ बेटा।
कटही है क्या? हाँ, कटही हो तू? अभी रो रही थी, अभी रो रही थी। वीडियो शूट की क्योंकि शगुन का हाथ जल गया था, तो ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि राइट हैंड ही जला हुआ है उसका, थोड़ा सा ही जला है बट अभी बच्ची है तो इसलिए ज़्यादा बर्निंग हो रही है। तो चल रहे हैं, हम खाना बनाएंगे, अब कल आराम हो जाएगा शगुन को तो कल बनाएंगे शॉर्ट्स। तो बजने वाले हैं 8 और हमने छोला बॉयल कर लिया है, अभी छोला ही बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि अभी सारी अरेंजमेंट करनी है, लहसुन छीलना है, प्याज छीलना है, बहुत टाइम लगेगा। मटर वाला छोला और इसमें मैंने अभी ऐड किया है, सिर्फ भून रही हूँ प्याज और कश्मीरी मिर्च, अभी कोई मसाला नहीं है। कितना अच्छा कलर लग रहा है। और ये मेरा मटर बॉयल रखा हुआ है, मैंने अपने लिए चाट, यम्मी यम्मी, बहुत पसंद है मुझे। देखिए तैयार हो गया मेरा, क्योंकि आटा मैं तुरंत बहुत ज़्यादा नहीं गूंथती हूँ, बस उसको भिगा के इकट्ठा करके रख देती हूँ, फिर आप 10 मिनट बाद अगर गूंथेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए आटा गूंथ जाता है। और ये देखिए मैंने कढ़ाई धुल कर रख दिया, अब इसमें ऑयल डालेंगे फिर निकालेंगे पूरी गर्मा गर्म। और ये देखिए मेरा फाइनली छोला बन के हो गया तैयार, बहुत ही टेस्टी यम्मी है। मिनट कम है और सारा खाना बन गया, देखिए पसीना मेरे, वाह। ये रही पूड़ी, सैलेड एंड छोला और चावल, और पूड़ी छोला चावल और लड्डू प्रसाद चढ़ाए थे, छोला पूड़ी सब कुछ खिला आए हैं, गाय को खिला के सब खिला आए। सुबह शाम दोनों टाइम जो भी बनाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम खिला के आए हैं। हट कुत्ता, चल रहे खाना खाने, मलाई खा ले नहीं, 10:30 और चल रहे सोने, पहले तेल लगाएंगे विशाल को और कमर में से काट लिया, उनको दही नहीं पसंद है भैया को, तो चल रहे हैं और ब्लॉग को ये करते हैं। बाकी जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना, दीदी के बोले हैं वो करेंगे, और मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।